नमस्ते बच्चों, मैं भाग्यलक्ष्मी श्री जी के जैन प्राइमरी विद्यालय की अध्यापक का आज मैं आपको एक प्रयोग करके बताना चाहती हूँ कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान और हमारे द्वारा श्वास छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान। बच्चों, आप लोगों ने मालूम है ना आपको कि हवा गैसों का मिश्रण है, हवा में गैसें होती हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो आज हम क्या प्रयोग देखेंगे, हमारे द्वारा सांस में छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसकी हम पहचान करेंगे। तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है छोड़ी गई श्वास में कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो बच्चों, हमने इस ग्लास में चूने का पानी को घोल के रखा है, अभी मैं इसको फिल्टर करूंगी। यह फिल्टर चूने का पानी है, अब इसमें मैं हवा छोड़ूंगी ना। तो हवा देखो, इसमें मैंने हवा छोड़ दिया है ना। तो अभी देखना है आप बच्चों, थोड़े देर के बाद ये पानी दूधिया हो जाएगा, तो इसकी ये पहचान है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। मैंने इस पानी को क्या किया था, चूने का फिल्टर का पानी को हवा में रख दिया था मैंने, इसको कहाँ पे रखा था, हवा में। तो हवा में भी हम कहते हैं ना कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति अनिवार्य है, तो इस कारण ये पानी भी हमारा देखो दूध के समान दूधिया हो गया। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अभी ये वाला पानी, अभी इसको आपको टाइम लगेगा, थोड़ा 5 मिनट लगेगा दूधिया बनने के लिए। जब तक हम देखते हैं कि बच्चों, हवा गैसों का मिश्रण है ना, हवा में अनेक प्रकार की गैसें होती हैं, ऑक्सीजन जो हमारे जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमारे और पेड़ पौधों दोनों के लिए बहुत आवश्यक है, आग बुझाने में भी हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं ना। तो बच्चों, सबसे पहली बात तो यह है कि CO2 ये रासायनिक सूत्र है। ये प्रश्न पूछ सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखो, तो आप क्या लिखोगे, CO2। हम ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र O2, तो CO2 यानी रासायनिक सूत्र है बच्चों, रंगीन तथा गंधहीन गैस है। रंगीन तथा, ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है, रंगीन तथा गंधहीन गैस है जो पृथ्वी में जीवन के लिए अति आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे जीवन में नहीं है, हमारी पृथ्वी में नहीं है, तो हम नहीं जी सकते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए आवश्यक है, पेड़ पौधों के लिए, और पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तो इसलिए हमें वो आवश्यक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु से करीब 1.5 गुना भारी है। कितना गुना भारी है, 1.5 गुना भारी है गैस। जैसे हम श्वास लेते हैं और हम छोड़ते हैं, तो दोनों की प्रतिशत मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन की 21% है और श्वास में छोड़ी गई वायु की 18% है। कार्बन डाइऑक्साइड श्वास में लेने वाली वायु 0.03% है और इसमें क्या है, 3% है नाइट्रोजन, है ना, ये क्या है, 78% है और इसमें भी 78%। लेकिन हमारे जो वायु में जो सबसे अधिक कौन सी मात्रा है, नाइट्रोजन की मात्रा है। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 हमने यहाँ पे लिखा है ना, इसका अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण जैव अणु है तथा पौधे एवं प्राणियों के बीच संतुलन को बनाए रखता है। तो बच्चों, अभी आपने देखा ना, है ना, चूने का पानी, है ना, तो चूने का पानी देखो थोड़ा, है ना, चूने का पानी कैसा हो गया, आपका दूधिया हो गया, है ना। ये कौन सा पानी है, ये चूने का, ये सादा पानी है,
देखो सादा पानी ऐसा दिख रहा है और ये वाला पानी चूने का पानी का रंग बदल गया और थोड़ी देर रहने से इसका पूरा रंग दूधिया हो जाएगा। बच्चों सबसे पहले तो आपको ये जानना है, ये मालूम होना चाहिए कि हमारी वायु यानी हवा में गैसों का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? गैसों का मिश्रण है। उसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है। और हवा को हम देख नहीं सकते हैं ना, क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि ये छह दुर्लभ गैसों से मिलकर बनी है। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे ना तो आप इसके बारे में पढ़ोगे। जैसे अभी ऑक्सीजन को हमने एक प्रयोग करके आपको बताया था ना कि हवा में ऑक्सीजन है या नहीं। तो हवा ऑक्सीजन क्या है? जलने में सहायक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे वायु में है या नहीं, तो हमने यह प्रयोग करके आपको बता दिया है ना बच्चों। ओके हैं? अभी आप लोगों को यह प्रयोग समझ में आया। आप अभी क्या करना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के है ना सूत्र, ऑक्सीजन का सूत्र, श्वास में लेने वाली वायु में कितने प्रतिशत है और सांस छोड़ने में कितने प्रतिशत है ना, इसका रंग क्या है, ये कैसी है, रंगीन और गंधहीन है। ये वायु से करीब डेढ़ गुना भारी होती है। कितने गुना? डेढ़ गुना भारी होती है ना। तो आप लोग ये सब याद करके आना, तो मैं आपको इसके बाद लिखने के लिए बोलूंगी। प्रयोग में लिखने का बहुत आसान तरीका है, कुछ भी नहीं है बच्चा। एक चूने का पानी ले लेना, एक स्वच्छ क्या है, पारदर्शी चूने का पानी। पारदर्शी यानी उसको हमने फिल्टर कर लिया, चूने के पानी को हमने घोल के उसको हमने फिल्टर कर लिया। ये पारदर्शी चूने का पानी है, उसमें एक स्टार, मेरे पास स्टार नहीं है इसलिए मैंने क्या किया, ऐसा बना के किया है ना। तो इसके लिए अभी आप क्या करना है, आप लोग गंदे पेपरों का उपयोग नहीं करना है, तो आप ऐसी फूकना, हाथ से ऐसी फूकना आप लोग, है ना। क्योंकि अभी कोरोना का पीरियड चल रहा है, तो अगर आप कोई भी पेपरों को बना के कुछ करोगे, अगर उसमें कुछ गंदी या कोई जीवाणु अगर चिपके हैं तो आपके हाथों में आ जाएंगे और फिर हाथ से आपके मुंह और नाक में जाने की संभावना हो सकती है। इसलिए इसका प्रयोग नहीं करना। अगर आपको करके देखना है तो आप सिर्फ ऐसे फूक के देखना है ना, फूकने से ही ऑटोमेटिक वो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, 10 मिनट लगेगा गुदिया बनने के लिए। तो आप क्या लिखोगे, एक ग्लास में स्वच्छ और पारदर्शी चूने का पानी लेकर उसमें एक पाइप के द्वारा हम क्या करेंगे, उसमें फूंक मारेंगे और श्वास में उठे बुलबुले, श्वास में उठे बुलबुले चूने के पानी को दुधिया कर देता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान है। अगर कोई भी पूछे कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड है, कैसे बताओगे आप, तो आप लोग ये वाला प्रयोग करके बताना। कुछ नहीं, बहुत सादा प्रयोग है। आया आपको समझ में? कैसे लिखोगे? नहीं समझ में आ रहा लिखना तो यहाँ से देख के लिखना। सबसे पहले आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड लिखना, ऑक्सीजन लिखने की कोशिश करना और ये श्वास में छोड़ी गई, ये इसको याद करने की कोशिश करना है ना। ओके बच्चे, थैंक यू।